बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नवीद जमीर और मैं आज आपके सामने जो प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूं वो है मास्टर सी T20 क्रिकेट के हवाले से एक टूर्नामेंट हमारा ऑर्गेनाइज हो रहा है मलिक कैंट के अंदर, जिसके इस प्रोग्राम में डिस्कशन का मकसद जो है हमारे तमाम टूर्नामेंट्स के अंदर जो टीमें शिरकत कर रही हैं उनके कप्तान और उनके प्लेयर्स जो खेल रहे हैं उनका छोटी सी गेट टुगेदर गैदरिंग का मकसद है। तो मेरे साथ राइट साइड पर बैठे हुए हैं एक YPS क्रिकेट क्लब के कप्तान मुईन जुनेदी और इनका प्रोफाइल थोड़ा सा मैं बता दूँ कि बहुत अच्छे ऑलराउंडर रहे हैं अपने जमाने अभी अपकमिंग क्रिकेट के अंदर और अच्छे बैट्समैन हैं, विकेट कीपर बैट्समैन हैं। और उनके साथ जो सेकंड पे हमारे मेहमान बैठे हुए हैं वो हैं लैकुर रहमान, और लैकुर रहमान ही माशाल्लाह एक बहुत अच्छे पुराने क्रिकेटर हैं और ऑफ स्पिनर बॉलर भी हैं ऑलराउंडर के साथ। और उनके साथ जो हमारे पास सेकंड जो प्लेयर बैठे हुए हैं वो हैं मास्टर क्रिकेट क्लब के अफनान हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे अपकमिंग प्लेयर हैं, अंडर-19 प्लेयर हैं माशाल्लाह, और बहुत अच्छा इनका प्रोफाइल है मौजूद क्रिकेट के हवाले से। और उनके साथ जो दूसरे प्लेयर हमारे पास बैठे हुए हैं उनका नाम है अकील डोगर, जो कि महाद स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कप्तान भी हैं महाद स्पोर्ट्स के। और इसके साथ जो हमारे पास राबड़ बैठे हैं उनके अलीम अहमद हैं केएल वॉल्फ के, और माशाल्लाह ऑफ ब्रेक बॉलर हैं ये भी। और उनके साथ जो दूसरे मेहमान हमारे बैठे हुए हैं वह हैं केएल पैंथर के रियासत भाई, माशाल्लाह फास्ट बॉलर हैं ये। और आज हमारे गेट टुगेदर भेजेंगे मकसद ये है कि जो टूर्नामेंट हम इस वक्त ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं मास्टर T20 के हवाले से उस पर डिस्कशन करना। तो मुईनुद्दीन जुनेदी से मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने इस टूर्नामेंट के हवाले से कुछ आपने राय दें कि टूर्नामेंट के हवाले से जो किया जा रहा है कैसे काम की चाहिए। सबसे पहले तो मैं इस टूर्नामेंट कमेटी को मुबारकबाद पेश करूंगा कि इतना खूबसूरत और इतना ज़बरदस्त इन्वायरमेंट पेश कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, जो आने वाले प्लेयर्स के लिए एक अच्छा टूर्नामेंट साबित होगा और इंशाल्लाह इससे 2-4 लोगों को और डिफरेंट क्लब्स टीमों को जो है एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। और बिलखसूस हर टीम में एक आने वाले स्टार्स मौजूद हैं, जैसे अभी कुछ प्रीवियस स्टार और इनकमिंग स्टार्स के साथ एक कॉम्बिनेशन बना के मैच इस टूर्नामेंट में खेलने जा रहे हैं। हमारे पास भी इनकमिंग स्टार में जो इसका मैं बिलखसूस नाम लेने जाऊँगा ऐसा महाशिम और मोहम्मद मास के, वो ये दो वो प्लेयर हैं जिनको हम चाहते हैं कि क्रिकेट में एक्सपोजर मिले। जैसे मास्टर क्रिकेट में अफनान हमने खुद इसको खेलते हुए देखा है और अच्छा इनकमिंग स्टार है, तो हम चाहते हैं कि इस टूर्नामेंट से जैसा इन्वायरमेंट इस टीम टूर्नामेंट के लिए कमेटी ने रखा है और बनाया है एक अच्छी क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिल रही है, तो उसमें ऐसे प्लेयर्स को एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और हम चाहते हैं कि ऐसे इवेंट्स और होने चाहिए। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी जो टीम की जो टूर्नामेंट की पोजिशन है उसको आप किस लेवल पर देखते हैं, क्या आपकी टीम क्या कर सकता है टूर्नामेंट में? इंशाल्लाह लोगों के लिए अपसेट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपसेट साबित हो कि हम, क्योंकि हमारी टीम गुज़िश्ता कई सालों से हारती चली आ रही थी 6-7 सालों से, और अल्लाह के फजल से अभी एक प्रीवियस 2 इवेंट्स में हम बेहतर पोजीशन में आए, हम एक इवेंट के फाइनल में क्वालिफाई किए हुए और एक में हम क्वार्टर फाइनल में खड़े हुए, और उससे प्रीवियस 6 ईयर YPS की पोजीशन बहुत डाउन थी कि शायद वो पहला मैच भी नहीं जीती थी किसी टीम से, और अभी हमने एक नई टीम बिल्ड की है और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि हम मास्टर क्रिकेट में अच्छा अवसर करें। इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा अलीम साहब से, अलीम साहब आप क्या समझते हैं कि जो टूर्नामेंट की काविश की गई है जो T20 के हवाले से एक अलग अच्छा टूर्नामेंट कराया जा रहा है उसके साथ आपकी क्या राय इस हवाले से टूर्नामेंट के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह ये हमारे कराची में एक बहुत ज़बरदस्त स्टेप लिया गया है इस क्रिकेट को, और जिस तरह मास्टर क्रिकेट की मैनेजमेंट को ये सारा क्रेडिट जाता है, वो इतना अच्छा टूर्नामेंट कराने लगे और इंशाल्लाह सबको बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और हम बहुत एक्साइटेड हैं इस टूर्नामेंट के लिए, चलिए जल्द स्टार्ट हो और हम इसमें अच्छा परफॉर्म। तो आपकी टीम में ऐसे कितने प्लेयर हैं जिनको आप समझते हैं कि उनको काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा इस टूर्नामेंट के हवाले से? जी माशाल्लाह से हमारी टीम मोस्टली यंग प्लेयर्स हैं, और वैसे अगर देखा जाए क्रिकेट की जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई इतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन माशाल्लाह गलत टीम है और मुझे काफ़ी अच्छी उम्मीद है अपनी टीम से और इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म। अच्छा मेरे साथ बैठे हैं रियासत भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा केएल पैंथर के कप्तान हैं, रियासत भाई आपके हिसाब से जो टूर्नामेंट का जो एक्सपोजर प्लेयरों को मिलने वाला है इसमें से क्या हमारे पास कुछ प्लेयर ऐसे निकलेंगे जो पाकिस्तान के लिए कोई रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह जरूर, क्योंकि हमारे मैंने जो तमाम टीमों की साइड देखी हैं उसमें काफ़ी यंग प्लेयर ऐसे हैं कि जो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को इंशाल्लाह पाकिस्तान को प्रेजेंट करेंगे, तो बहुत अच्छी काबिलियत है ये मास्टर।